रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव हुआ है। जहां पॉइंट्स टेबल में टॉप पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है, तो सबसे आखिरी पायदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद है। तो ऐसे में आपकी फेवरेट टीम पॉइंट्स टेबल में कौन से नंबर पर और कितना पॉइंट के साथ, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट। पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2022 में एक मैच के लिए तो पहले ही मुकाबले में इस टीम को जबरदस्त जीत मिली है। जहां इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, तो इस टीम का नेट रन रेट भी +3.050 नेट रन रेट है। वहीं पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब तक 2 मैच खेली और 2 मैच में एक मैच जीत मिले, तो एक मैच में इस टीम को हार मिली है। जहां इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, तो इस टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है। तीसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2022 में एक मैच अब तक के लिए और एक मैच में इस टीम को जबरदस्त जीत के साथ साथ इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट हो चुके हैं, तो इस टीम का नेट रन रेट भी +0.914 है। वहीं पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स आईपीएल 2022 में अब तक एक मैच के लिए और एक मैच में इस टीम को जबरदस्त जीत के साथ साथ 2 पॉइंट, तो इस टीम का नेट रन रेट भी कई ज्यादा बेहतर है, +0.697 पंजाब किंग्स का नेट रन रेट है। वहीं पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर पहुंच चुकी है केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर। जहां अब तक 2 मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर ने खेला है, एक मैच जीती है, तो एक मैच इस टीम को हार मिला। जहां इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, तो इस टीम का नेट रन रेट भी काफी अच्छा है। वहीं छठे नंबर पर है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस अब तक टोटल एक मैच खेली है और एक मैच में इस टीम को जबरदस्त जीत के साथ साथ 2 पॉइंट हो चुके, तो इस टीम का नेट रन रेट +0.286 है। सातवें पायदान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2022 में एक मैच खेली और एक मैच में इस टीम को हार मिली है। जहां टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, तो इस टीम का नेट रन रेट -0.286 है। आठवें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2022 में एक मुकाबला खेली, वहीं एक मुकाबले में इस टीम को हार मिली है। जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, तो इस टीम का नेट रन रेट -0.639 है। वहीं नौवें पायदान पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस भी आईपीएल 2022 में एक मैच खेला और एक मैच में इस टीम को हार मिली है। जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट रन रेट की बात करें तो -0.914 मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट है। वहीं पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद को सबसे बुरी तरह से आईपीएल 2022 में अपने पहले ही मुकाबले में हार मिली, एक मैच खेली और एक मैच में इस टीम को हार मिली है। जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, तो इन नेट रन रेट की बात करें तो -3.050 सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन। तो ये रहा आईपीएल 2022 का नया पॉइंट्स टेबल जो कि आरसीबी वर्सेस केकेआर मुकाबले के बाद का। तो दोस्तों इनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस नंबर से ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।